हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 10th का मॉर्निंग शिफ्ट का जो मैथ्स बेसिक का क्वेश्चन पेपर है, तो इस क्वेश्चन पेपर को हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। क्योंकि ये वीडियो स्पेशली मैं इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि वो अभी अपना एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, तो उनका क्वेश्चन पेपर किस तरह का आएगा, किस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, क्या पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर का, तो इस क्वेश्चन पेपर को देख करके वे समझ सकते हैं, वे आइडिया लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, इसी तरह से यहाँ पर टोटल 20 एमसीक्यू हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसके बाद ये फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम में है, सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो फास्ट चल रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चंस को ईजिली रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं थोड़ी ही देर में इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन वाला वीडियो भी अपलोड करूंगा बहुत ही जल्दी, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि सॉल्यूशन वाली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन वाला वीडियो ज़रूर से ज़रूर अपलोड करूंगा, थोड़ा सा आप वेट करना बस। अगर आप बाद में भी इस वीडियो को देख रहे हो तो मैंने अपलोड कर भी दिया होगा, आप चैनल पर चेक कर लेना। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, 12, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 16, और इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में है, ये आप देख सकते हैं पूरा। ठीक है, और इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, और ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये इंग्लिश मीडियम में है, 17, 18, 19, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो ये हो गया, इसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, इसके बाद आगे ये इंग्लिश मीडियम में है, ये सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं 21 और 22, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, 24, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप पढ़ के ये आइडिया लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आपके इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में भी इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और पैटर्न जो है क्वेश्चन पेपर का वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, 28, इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, और बाकी का ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, 31, और यहाँ से आपका सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 32 से, ये रहा क्वेश्चन नंबर 33, इसके बाद आगे ये आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन डी के क्वेश्चंस ये रहे 32 और 33, और इसका जो पीडीएफ है इस क्वेश्चन पेपर का, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना। ये जो पीडीएफ है क्वेश्चन पेपर का, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप और अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ये अथवा वाला क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 35, इसके बाद यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 36 से सेक्शन ई स्टार्ट हो जाता है, तो इसे अभी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर बाकी का ये आप देख सकते हैं सेक्शन ई के क्वेश्चन 36, इसके बाद नेक्स्ट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 37, ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद ये पूरा है, इसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर अपलोड करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे ही सॉल्यूशन वाली वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। इसके बाद ये 37 है, और इसके बाद ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 38, ये रहा आपका, और इसके क्वेश्चंस ये रहे। ठीक है, फिर इसके बाद इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा, ये आप देख सकते हैं।
तो टोटल आपके कितने क्वेश्चंस आपने देखा, क्वेश्चन टोटल 38 है। इसका मतलब है कि इवनिंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका, उसमें भी 38 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है ये आपने अच्छे से देख लिया और समझ लिया, और किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये भी आपने देख लिया। तो अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस लेवल का क्वेश्चंस आ रहा है और क्या क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक से क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।